सभी को नमस्कार। मैं संदीप कुमार जैन, शिक्षक एवं कवि, कपोट टोंक राजस्थान से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। सम्माननीय देवेंद्र जी जोशी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने की पहल की, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। सम्माननीय देवेंद्र जी जनसरोकार मंच के संयोजक हैं और आप समय समय पर साहित्यिक गतिविधियों को लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और वर्तमान में गांधी दर्शन की, अहिंसा वादी सिद्धांत की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां अराजकता अशांति के दौर से गुजर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के स्तर पर भी अगर हम देखें तो कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज जनमानस पर अशांति का माहौल बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में पत्र लेखन विद्या एक ऐसी विद्यार्थी सहायक विधा जो प्राचीन काल से लेकर के हमारे वर्तमान समय तक संचार का एक सशक्त माध्यम रही थी, लेकिन आधुनिकता के दौर में बढ़ते हुए संसाधनों के कारण वह अमूल्य विधा धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच गई। ऐसे में प्रशासनिक एवं साहित्यिक जगत के सूरज के रूप में जाने जाने वाले सम्माननीय सूरज सिंह जी नेगी ने पत्र लेखन विद्या को पुनर्जीवित करने के लिए एक मुहिम के रूप में इस साहित्यिक गतिविधियों को प्रारंभ किया। सम्माननीय सूरज सिंह जी नेगी ने सन 2019 में पत्र लेखन विधा को लेकर एक मुहिम को चलाया और वह मुहिम निरंतर आज चलती हुई आगे बढ़ रही है। बीते 6 वर्षों में इस मुहिम के तहत विधाओं पर पत्र लिखे गए, जिसमें भारत देश के विद्यार्थियों, कवियों, लेखकों, साहित्यकारों और मनीषियों ने, विद्वानों ने पत्र लिखे और लगभग 16 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी क्रम में बापू की चिट्ठी, मेरी जुबानी पुस्तक, सम्माननीय सूरज सिंह जी नेगी, उनकी सहधर्मिणी सम्माननीय डॉक्टर मीना जी सुरोला और टोंक जिले के पूर्व शिक्षा अधिकारी जी सम्माननीय चंद्रमोहन जी उपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक संपादित की गई। यह मात्र एक पुस्तक नहीं है, गांधी जीवन का एक दर्शन है, गांधी की जीवनी है। महात्मा गांधी जिस भारत की कल्पना किया करते थे, उस वर्तमान भारत की विचारों से ओतप्रोत यह बापू की चिट्ठी मेरी जुबानी पुस्तक है, जिसमें भारत के वरिष्ठ युवा एवं विद्यार्थियों ने पत्र लिखे और इस पुस्तक में तकरीबन
विद्वानों ने ये पत्र प्रकाशित किए हुए हैं। यह पुस्तक गांधी दर्शन, गांधी सिद्धांतों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन व्रत को जानने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में उभर करके सामने आया है। इस पुस्तक के माध्यम से मुझे भी सौभाग्य मिला कि मेरे द्वारा लिखा गया पत्र, बापू की चिट्ठी मेरी जुबानी, प्रकाशित हुआ और वही पत्र मैं आप सबके बीच में आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महात्मा गांधी, बापू जिन सिद्धांतों को लेकर चला करते थे और जिस राष्ट्र प्रेम, क्षमता, समानता, शिक्षा और जनसरोकार को जिस तरह से जिया करते थे, वो सभी बातें आपको इस पत्र के माध्यम से जानने के लिए मिलेंगी। मैं खुद इस पुस्तक के प्रत्येक पत्र को पढ़ करके बड़ा अभिभूत हुआ और आज मैं आप सबके समक्ष मेरे द्वारा लिखे गए इस पत्र को, बापू की चिट्ठी मेरी जुबानी, प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय वत्स, चिरंजीवी भव, सदा खुश रहो, प्रसन्न चित रहो। मैं सदा से ही तुम्हारी कुशलता की मंगल कामनाएं रघुपति राघव राजा राम से करता रहा हूं, करता रहूंगा। बड़े लंबे समय से मैं तुम्हारी खैर खबर नहीं ले सका, क्योंकि मैं दूर, बहुत दूर तुमसे, मगर इतना भी नहीं कि तुम्हें देख न सकूं। मैं देख रहा हूं सुदूर अंतरिक्ष के स्वर्णिम आंगन से। बहुत बड़ी हो गई है तुम्हारी दुनिया, बहुत कुछ बदल गया है मेरे सपनों के भारत की धरती पर। बदल गया है तुम्हारा खान पान, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा चाल चलन। बदल गया है तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा आचरण। बदल गई है तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता। बदल गई है भारत भूमि का स्वर्ग तुल्य प्राकृतिक सौंदर्य। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से आपस में लड़ना, मारना, पीटना, घसीटना, ये कैसा आचरण है तुम्हारा। माना कि तुम स्वतंत्र हो, मगर इस स्वतंत्रता का यह अर्थ तो नहीं कि कमजोरों पर अपना जोर चलाया जाए, अबलाओं का मान भंग किया जाए और उनको बेइज्जत किया जाए। अपने मामूली स्वार्थ के पीछे राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति को भुलाकर उसे बोना बना दिया जाए, यह सब कृत्य तो उन फिरंगियों के थे जिनसे तुम्हें आज़ादी मिली है। यह सब अगर तुम करोगे तो उनमें और तुम में क्या अंतर रह जाएगा। तुम मुझे बापू कहते हो, तुम मुझे बापू कहते हो तो मेरी बात, तुमने तो शायद मुझे अंत रूप नहीं देखा, ना उस दौर से तुम गुजरे, मगर इतिहास की पुस्तकों में उस दौर की कहानियों को तुमने अवश्य पढ़ा होगा। कितना कुछ सहना पड़ा था मेरे वतन के लोगों को, उनमें बहुत से तुम्हारे सगे संबंधी भी रहे होंगे। लगभग 200 साल से के लंबे संघर्ष के बाद यह आज़ादी मिल सकी है, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने बापू के सपनों के भारत की एकता, अखंडता, सभ्यता, संस्कृति, स्वराज, राष्ट्र प्रेम को युगों युगों तक अक्षुण बनाए रखो। हर मानव से प्रेम करो, जाति पाति के बंधनों से मुक्त होकर मजहब से ऊपर उठकर वसुदेव कुटुंबकम के पावन भावों को साकार करो। भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु नानक साहब के सिद्धांतों पर चलो।
तुम युवा हो, तुम्हारी रगों में विशुद्ध रक्त का संचार हो रहा है। इस रक्त की एक एक बूंद तुम्हें अपने राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित करने से किंचित मात्र भी नहीं डगमगाना है। मैं आज भी गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने भारत भूमि पर जन्म लिया था, और वही गर्व आज तुम्हें महसूस होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ मेरा भारत बहुत कुछ क्षेत्रों में भारत की महानता को उतंग शिखर पर पहुंचाने में सफल रहा है। बहुत कुछ तरक्की भी की है, पर अफसोस है कि मेरे भारत को आंतरिक रूप से खोखला बना दिया है। सब भूल कर तुम पाश्चात्य को बढ़ावा देते जा रहे हो, अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलना बैठे हो। रामायण गीता उपदेश तुमने साथ में रखकर मिट्टी की प्रत्येक जमनियों को किया है। से पूर्ण अनुग्रह है कि अभी भी समय है, जागो, उठो, चल पड़ो अपने कर्तव्य मार्ग पर और फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया बना दो, अपने बापू के सपनों को साकार कर दो। तब कहीं जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम भी बड़े गर्व से कह सकोगे, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलशिता हमारा। तुम मेरे अपने हो, कुछ गलत करते हो तो मुझे बहुत दुख, सब कुछ माता आंसू नहीं देख सकता, अधूरे सब पूरा करना तुम्हारा फर्ज उत्तरदायी दोनों ही। फिर भी यदि कोमल को ठेस लगी हो, आघात पहुंचा हो, तो अपने बापों को क्षमा, मेरा सदा तुम्हारे साथ, प्रसन्नित रहो, सदा खुश रहो। इसी सुबह पत्र समाप्त करता हूँ, तुम्हें कर वक्त तो पाती का तुम बापू। तो यह पत्र बापू जुबानी बापू की चिट्ठी में नाम लिखी गई, जिसमें 73 विद्वानों ने अपने पत्र लिखे। यह पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है और विभिन्न प्रकार के बुक्स स्टॉल्स पर भी उपलब्ध हैं। इस पुस्तक के माध्यम से बापू के विचार क्या हो सकते थे, देश के लिए क्या संदेश दे सकते थे बापू, अगर वर्तमान में बापू जीवित होते तो देश की क्या स्थितियां होती, उन्हीं को विचार स्वरूप यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूर्ण से कि आप बापू पत्र ये लिखे गए पसंद आए, बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।